हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बताना चाहूँगा BTUP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से नोटिस निकल के आया है और जिसमें क्या कुछ है सब कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, जो कल आपका ट्यूट किया गया था CM योगी आदित्यनाथ के ऑफिस वाले ट्विटर अकाउंट से, उसमें बच्चों जो ट्यूट किया गया था उस ट्यूट के बाद में ये नोटिस निकाला गया है। पहले जो ट्वीट आया था लगभग लगभग मान के चलिए 5-6 बजे ट्वीट आ गया था, उसके जस्ट बाद में ये लगभग लगभग मान के चलो, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में कब ये नोटिस के बाद में ये ट्वीट आया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सभी वीडियो प्रॉपर वे में मिलता रहे। चलिए भैया, आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रेस सचिव प्रावधिक उत्तर प्रदेश नखलऊ सेवा में प्रधानाचार्य और राजकीय निजी क्षेत्र की संस्थान। तो बच्चों, इधर आप देख सकते हो अति महत्वपूर्ण सूचना जो कि ईमेल के माध्यम से आई हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं, मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, है ना। अभी प्रॉक्टर वगैरह का रिजल्ट आएगा, जब प्रॉक्टर बनेंगे आपके 2 तारीख को प्रॉक्टर बनेंगे, ठीक है, उसका भी मैं बताऊँगा आपको। तो भाई इसमें देख सकते हो डेट, जैसे आपको कल आपका 31 था, ठीक है, 31 को आपका मतलब जो ट्वीट किया था, ठीक है, CM योगी आदित्यनाथ के जो ऑफिस वाले ट्विटर अकाउंट है उससे मतलब ट्वीट किया गया था सेम, उसके बाद यानी कि उसके 5 घंटे बाद ये नोटिस जारी किया है BTUP ने। भाई देख सकते हो इसमें क्या जारी किया गया है कि सम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 और द्वितीय एवं षष्ठम सेमेस्टर वार्षिक प्रणाली परीक्षा जुलाई 21 केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं में आवेदन फॉर्म URIS के भरा जाने के संबंध में। बताना चाहूँगा अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर वाले हैं, उनके अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो उसी के संबंध में नोटिस दोबारा से निकाला, डेट उसकी बढ़ा दी गई है। और एक बात और सुन लो, आप लोग प्रमोट हो गए या नहीं हो गए ये भी कंफर्म लगभग लगभग हो ही रहा है इन नोटिस के माध्यम से। लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को कंटिन्यू करते रहो कि कैसे ये नोटिस में कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़, मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। मेन टॉपिक इसमें क्या है, देखो भाई, जुलाई परीक्षा दिनांक 27/7/2021 का संदर्भ वर्णन करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 द्वितीय चतुर्थ में षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक पद्धति परीक्षा है ना, वो जुलाई के केवल अंतिम वर्ष में। देखो केवल अंतिम वर्ष की क्यों बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है केवल अंतिम वर्ष से यही प्रूव होता है कि आप लोग प्रमोट हो गए। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहां देख सकते हो 88.3% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो जिसने नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और यहां पर 11.7% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो फटाफट से मैं यही कहना चाहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करोगे जिन्होंने नहीं किया है। अब आप इधर आ जाओ, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मतलब कहने का अंतिम वर्ष ही दे रखा है, तो यहाँ इसका यही मतलब है आप लोग प्रमोट हो गए। और ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा आवेदन पत्र URIS पोर्टल के माध्यम से भराए जाने के संबंध में URIS पोर्टल पर एक लिंक खोला गया था, लेकिन 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 कई सारी यहाँ पर मतलब कॉलेज थे जहाँ पर वेरीफाई ना किए जाने और परीक्षा फॉर्म से वंचित रहने की समस्या आ रही थी, इसीलिए इनके लिए अंतिम अवसर दिया गया है सम सेमेस्टर जुलाई परीक्षा 2021 द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति जुलाई 2021 केवल अंतिम वर्ष की बात ही बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रमोट ही है ऐसा मान के चलिए। ठीक है, हालांकि ट्विटर हैंडल पे भी ये बात दे रखी थी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल पे ये बात दी गई थी कि मतलब प्रमोट करने की बात चर्चा चल रही है और जल्दी इसका डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ही डिसीजन आएगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के आवेदन URIS आवेदन पत्र है URIS पोर्टल के माध्यम से भराए जाने हेतु 31/7/2021 के से लेकर 2/8/2021
तंग लिंक खोला जा रहा है, यानी कि 31 से लेकर बच्चों 2/8/2021 तक लिंक खोला जा रहा है। आज आपका 1 तारीख हो गया, कल इसका लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग फॉर्म भरा लें जिन जिसका नहीं भरा है। फाइनल ईयर वाले के लिए विशेषकर नोटिस है, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यहाँ पर भाई प्रमोट ही मानो, लेकिन अभी नोटिस नहीं आया है, तो ऐसा मान के चलिए जब तक नोटिस नहीं आता है तो अभी वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फर्म उन्होंने कर ही दिया है कि आप लोग प्रमोट ही हो गए। कन्फर्म कैसे कर दिया है आपको दिख ही रहा है, जब फाइनल ईयर की बात ये लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रमोट ही है ऐसा मान के चलो, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है ये भी सुन लीजिए। हालांकि ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है, और हाँ, आपने अगर ट्विटर पे ट्वीट नहीं किया तो जल्दी से ट्वीट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कम से कम मैंने देखा स्टूडेंट्स लगभग वहाँ पर 6,000 ट्वीट पहुँच चुके हैं। ऐसे ही ट्वीट करते रहो, अगर 10,000 ट्वीट पहुँच जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, ज़रूर देखिए कि कैसे ट्वीट करना है, किस तरीके से आप लोगों को ट्वीट करना है, मैंने सब कुछ बता दिया उसमें। अब यहाँ पर देखिए, अतः जो हमारा प्रकरण है महत्ता गंभीरता को समझाते हुए ससमय परीक्षा फॉर्म भराना सुनिश्चित करें, इसके उपरांत किसी को भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यह अंतिम तिथि निर्धारित की जा रही है, विस्तारित की जा रही है, जिन संस्थानों के छात्र छात्रों का फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई संतुति कर दी जाएगी। साथ ही ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाएंगे जिनका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र का होगा और संस्था का होगा, यानी कि छात्र भी यहाँ पर भुगतेंगे इसका कारनामा और संस्था भी भुगतेगी। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो, सुनील कुमार सोनकर जो कि BTUP के ऑफिसियल सचिव हैं, उनके सिग्नेचर हैं और डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बताना चाहूँगा, जैसे आपका कल ट्यूट किया गया था, ठीक है, ट्यूट के जस्ट बाद ये नोटिस कब आया था, ये नोटिस रात के 10 बजे आया था। ट्वीट आपका लगभग 4-5 बजे के समथिंग किया गया था, लेकिन ये नोटिस रात के 10 बजे आया था और मेरे पास तुरंत ही आ गया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है हमारे कॉलेज में अभी भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के लेक्चर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, हालाँकि 2-3 प्रैक्टिकल हो भी गए हैं और कुछ बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसा नोटिस निकलता है बच्चों, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर सारी कंडीशन दे रखी है जैसे जैसा नोटिस में होता है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी दे रखे हैं। तो इस नोटिस का मतलब यही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बात की जा रही है केवल फाइनल ईयर वालों की ही, तो इससे यही स्पष्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पष्ट यही हो रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रमोट होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर 99% चांसेस हैं प्रमोट होने के, ठीक है, 1% चांस हैं वो अलग बात है, उसको देखा जाएगा। हालांकि आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, आई होप मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इस वीडियो को मैं आप थोड़ा सा आपको एक टेलीग्राम दिखा देता हूँ। तो बच्चों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, यहाँ पर आपको छोटी मोटी अपडेट देते रहते हैं, जैसे किस तरीके से मैंने कल अभी वीडियो में बताया था किस तरीके से आप ट्वीट करोगे, तो इसमें मैंने बताया था आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, टेलीग्राम पर ही मैंने डाल दिया था, पुलिस का छोटा मोटा अपडेट होता है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाता है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सर्च करोगे स्टडी सक्सेसफुल तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए भाई, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।